उत्तराखंड का एक अपना अलग अनोखा सा कल्चर है जिसमें हम लोग क्या ना अपनी बहनों को भिटोला देने जाते हैं साल भर का रोटी। मैं 5 रुपए से 10 रुपए जीत गेम। हैं? हाँ ये नया है, इससे 10 रुपए जीत। 10 रुपए मिल गए, दिखा दो कौन सा है। 16 नंबर डाला, 10 रुपए। अबे इसमें ये क्या है, 500 का नोट नकली है वो। So guys, आज हम जा रहे हैं अपनी नकली माँ के घर भिटोला देने। गिराना मत यार लब्बू प्लीज। आज इसको ना मैंने फर्स्ट टाइम स्कूटी चलानी सिखाई है, मजा आ गया। और आपको लेके चलते हैं अब सीधे कहाँ, वो सामने भाई, वो सामने हमारी बुआ का घर पता है। और उनके गले में नहीं इतना बड़ा बड़ा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा हो। जस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी बुआ के घर पे। ओए वो देखो 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 ऊपर देखो, ओए ऊपर देखो, हेलो हेलो। खेत में बैठेगा भाई, खेत में बैठेगा। हाँ अले 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 वी की कुरी वी के यार क्यों वाले आ जाए। हैं अच्छा धूल चाल का दिन है नचाल, तो धूल चाल वाल तुम्हारी राय में लगता है सार ना तो बट बट सारे हम जगह पर जाए। अचाल तो भिटोला सिस्टम है चेंज हो गया हुआ। पहले का टाइम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हुआ करता था भिटोला देने के लिए। पैदल पैदल आते थे उस टाइम पे, तो उतनी गाड़ी वगैरह भी नहीं चलती थी, सड़कें ही नहीं थी। जो गांव है जाक मार्केट, वहाँ से नीचे को रास्ता आता, वहीं से ये वाला रास्ता आता, मतलब ये वाला रास्ता यहाँ पे निकलता है जो। और यहाँ बीच में एक नौला भी हुआ करता था, पानी का टैंकी भी हुआ करती थी जिसमें मछलियाँ होती थी, काफ़ी सारी मछलियाँ होती थी मतलब उसके अंदर। और उस टाइम पे यार भिटोला देने का भी एक अलग ही वो हुआ करता था ना, घर से चावल का आटा लेके आएंगे, वैसा आटा लेके आएंगे, मिठाई मिश्री वगैरह यहाँ से खाना वाना बनाते थे सब मिल के, पूरी सेल पुआ कुनन्ना हमारे यहाँ, तो वही सारी चीज़ें बनती थी। अब तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया भिटोला देने का, अब क्या ना सीधे गूगल पे कर देते हैं भाई पैसे, बस हो गया भाई भिटोला। ऐसा ही है, जैसे जैसे समय बदलता रहता है वैसे वैसे हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। देहरादून में उतन ठुल घर ले रहे और यहाँ बकरान का गोल ले रहे, बुढ़िया अकेली दिखते यहाँ नाम से मेरी हो चाह। यो चाह भाई हवेली छ पुरी ले संभालन छ। बुआ गान तो सुना दी, एक दिमाग ही नहीं है आप, दिमाग तो नहीं गया है गोजोगे भवन की गान। तुम किने एक गान रिकॉर्ड कर ला रही हूँ पत्ती छी मैं, क्या वाली? ओ वाली पर आप हुआ क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिन जो दिन तुम्हें जो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो दिन कोई न जानेगा। बुढ़ापा साल ना कहे तनो। जितना हम आपको दिखा रहे हैं आप लोग बस उतना ही देख रहे हो, उसका आगे पीछे अंदर बाहर का क्या पता आप लोगों को भाई। कौन जानता है अपनी बात, कोई नहीं जानता है। अगर ये 5 दिन का नहीं होता ना तो मैं इसको पक्का ले जाता, खाली यार इसको अपनी माँ से बिछड़वा के मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना, नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा ना। इस वाली आँख में इसकी मम्मी ने मार दिया यार। अलीले बाकरी लीली चो चो, अलीले बाकरी लीली चो चो, वर ले गयो पर ले गयो नैया मेर बाकारा, अलीले बाकरी लीली चो चो। हाय हाय मजा आ गया गाइस, मजा आ गया यार। इजा न देखनो बाबा न देखनो काना न देखनो मोना न देखनो अलीली बाकरी लीली चो चो। ओ को आज कौन है, सांस फूल गए। एक छो मेरो ग्वालो ओका नामा लालो, मेरे भतीजो लालो अलीली बाकरी लीली चो चो। कसोरी हो मेरे कहने कुछ नहीं होता बेटा, ऐसी हूँ बुढ़ी हूँ, अब आँख भी नहीं देखती हूँ, कान भी नहीं सुनती हूँ, ये बानरों ने बहुत परेशान कर लिया हूँ। आधा किलो जीरो ले आयूँ, 1 किलो धनिया इला, हाँ फलन मरती हूँ भैया, फलन मरती हूँ, कांबड़े में आ गया दुनिया का बानर, बानर दुनिया भरी, दुनिया भरी बानर। मड़वा फल लाई तो जी नाली चार नाली मड़वा कर गया धन फन, भीतर सुपोलियन गिन गई हूँ, सुपोलियन तलक बिहार सब सफाई कर दी, फिर खुशी नहीं गांठो तलवा खिद गया बाना का पता। सुपोलियो ना भीतर गई हूँ छो छो कुन गिन बिहार आई हूँ, भीतर है चालों को थैलो दुला को थैलो मड़वा को दुला को थैल चाला को धोला लैंडर में भुजा दिया, अब क्या करूँ परेशान तो ही गई हूँ। कहाँ चढ़ गया रे ये, इसको देखना पेड़ में चढ़ गया गाइस। और ये हमारी बुआ का आम का पेड़ भाई, बुआ ने गुलेल भी रखी है। बुआ क्यों रखी ठहरी है गुलेल,
बानर इन कत परेशान करना इसे देखा तो फुर्र उड़ जाना ना ढूंढने लग रहे हैं यो इसे रह रहा है लगना मार यूनुन तब भजना ना ठिकान अल्लाह ताला ताल मशरूम घर में क्या ऐसे किया ये बंदर दिख रहे हैं लब्बू हैं नहीं दिख रहे मैं ही तो हूँ यार नहीं दिख रहा हूँ ये खड़ा हुआ देख रहे हो भाई कितनी बड़ी बड़ी बकरियाँ वो की अभी और आएंगी ये प्रेग्नेंट है गाइस इसकी आँख थोड़ी सी खाना वाना खाने के बाद ना बुआ को देख रहे हो सामने अकेले यार इस बूढ़े काल में मैं आगे आपको बता रहा था ना कि एक नौला भी है नीचे जिस पर मछलियां है काफी सारी तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी वहीं उसी नौले पे तू भी आ रहा है चल फिर चल आ जाओ भाई मछली देख के आएंगे वहाँ जाके मैं बहुत साल पहले गया था उस नौले के पास में आज फिर से मेरे को मौका मिल रहा है कि मैं अपने साथ साथ आपको उस नौले तक लेके जा रहा हूँ पुरानी बड़ी है मछली है पता नहीं अब तो यार कैसी होंगी भूल भी गया हूँ यार मेरे को तो याद भी नहीं है वो नौला कैसा था जब मैं 8-9 साल की उम्र का रहूँगा ना मैं तब आया था इधर मछली है मछली है हैं मछलियाँ कितनी हैं कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ देख कितनी सारी मेरे को इतने साल बाद इस नौले के पास आके काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है ना कि मैं अभी शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता हूँ और जितना हो सके ऐसे नौलों के पास या पानी के धारों के पास आप लोग गंदगी ना ही फैलाएं वहाँ पे साफ सफाई रखें पहले ना भाई यहाँ बुआ ने भैंस भी पाले थे और जब हम लोग यहाँ आते थे ना भैंस की दही दूध खाने के लिए मिलता था क्या अब कहाँ से अब कुछ नहीं अब बुढ़िया हो गई हूँ कौन पाल रहा ला ऐसी बुढ़ी हो गई हूँ बड़कन जब मरी को देहरादून जाते ठाट से रहते मैंने की ना माना देख रहे होंगे अभी ये देख रहे होगे ना मैं अच्छा नहीं मानती बैठना ना मैं उधर इधर ही अच्छा रहता मेरे को बुआ आपको यहाँ अकेला छोड़ा हुआ है छोड़ियो ना हेट को नान हो ना हेट को नान मत है रात भरी इसी पड़ो जो घर की याद हूँ इसके बेहो कुछ रहा है भाई वहाँ अब मैं कह रहा हूँ बुआ से एक गाना सुनाओ टक टका टक कमला बटुली लगाए बाटुली लगाए रे कमला ओ कमला बाटुली लगा दिए नकली आम इसलिए रखा ठहरा बुआ का नाम क्योंकि बुआ के जो दांत है ना भाई नकली अभी दिखाते हैं ठीक है याद है नरोनी देखो कितने प्यारे दांत है बुआ के ई ये मगर ये असली नहीं आया नकली आ यहाँ पे कुछ लोग और आ गए इनसे भी गाना गवाते हैं अभी थोड़ी देर में एक गाना सबको आता कोई नहीं गाएगा ओ भावना के भाई चाची भाभी भाभी पर भाभी की तो शाली लाई थी तेरी शाली शाली के नाम जितने ना मैं कौन हूँ यहाँ तो अरे यहाँ तो जल्दी आ जल्दी आ यहाँ पे ले यहाँ पे हेलो थोड़ी सी यार मैं इस गांव के लोगों की समस्या आप सभी के बीच में रख रहा हूँ पुरान गांव के लोगों की समस्या कि यहाँ पर पानी नहीं आता जितने भी पानी खोल रहे बंद करने वाले हैं ये सब ऐसे ही हैं भाई ठालू टाइप के पानी देते नहीं है टाइम से 5-5, 6-6 दिन तक का पानी आता नहीं यहाँ पे लोग इस वजह से परेशान हैं पैदल वो उधर गाड़ से जहाँ हम गए थे भाई उतनी दूर से सार रहे लगाओ आलू का कचालू मैं मम्मी का कालू कहते आलू का कचालू मैं मम्मी का कालू चमक क्या आए हैं बपरे अभी तक फेशियल कर रहे थे बल मिलने के लिए मुझसे मिलने के लिए आप फेशियल करके आ रहे हैं भाई मिठाई तो खाने लग गए गाना कौन सा आएगा जल्दी जल्दी गाना सुनाओ मेरे को जैसे तुम मेरे को अभी से छोड़ रहे हो ना किसने छोड़ा है अभी तो मैं हूँ ही अभी क्या छोड़ना है मेरे को बताओ आगे भाई बजा तुम भैया बार भाई इनर जमान में छोड़ो भैया अब हुआ एक गान सुना ली क्या गान ला देर के गान अरे तो हो मैना छोड़ा कल गंगा को काल मचो बोलू बाबू को छ ओते भैया को गल मैया कली जो छुको छ बंग 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 क्या था है भाई क्या था
तीन गाड़े को पानी प्याज कुली ईशुदार की चेली रुपए को माली। तो यार ये थोड़ी सी ना बुआ के साथ हमारी कुछ यादें हैं जो हम सजोज के रख रहे हैं, और अभी क्या ना टीका एका लग गया है भाई, और ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी आए थे यहाँ पे यहाँ भी है यहाँ भी, इनको मैंने गाना गाने के लिए बुलाया यार, ये शर्मा शर्मा गाई नहीं शाली। ओ साली एक तो गाने सुना दे, ओ साली चोर जो चुतिया के रिश्ते नहीं तपली वाले तपली बजा तेरे घुंघरू बुलाते हैं आ ढपली वाले ढपली बजा तेरे घुंघरू बुलाते हैं आ भाड़े गुड़े लाओ सारे भाड़े गुड़े बजाने के लिए हमारे वाद्य यंत्र भी यहाँ पे ले आए हैं, ये देखो। और अब हमारी बुआ और है साथ में पुरान गांव की महिलाएं आपको सुना, महिलाएं नहीं घर पर बनो लो ट्रक 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 कमला बाटुली लगाए देखो गाइस मेरी विदाई हो रही है तेरा चुतिया से बाय को गाइस ये मेरा चुतिया चुतिया आराम से जूं रोया जा ना रो रही हूं मस्त आप के रो कहां पे बोलो उठा ले ओए होए देखो हमें ड्रॉप करने के लिए साइकिल में आ रहे हैं और उड़ते हुए भाई वो ओ भाई बाय बाय। अभी हम लोग ना बुआ के घर से निकल के यहाँ पहुँच गए थोड़ा सा दूर, और बुआ का घर यहाँ से दिख रहा है, मतलब वो सामने पे है, और बुआ भी वहाँ से टुक टुकी लगा के देखी हुई है यार, हमें थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है यार। एक तो अकेली रहती है बेचारी वहाँ पर, और हम लोग भी यार ऐसा ही रहता है कि कभी कभार ही मिलने जा पाते हैं तो फिर ना निसास लक्षण है यार भाई, समझो मर्चन है।